you and me. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे FL Studio में ऑटोमेशन क्या है और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिनों से बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहा था, सर ऑटोमेशन का वीडियो बना दो, ऑटोमेशन का वीडियो बना दो। मैं ऑलरेडी ऑटोमेशन का वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरा मिक्सिंग और मास्टरिंग का ट्यूटोरियल नहीं देखा, उससे पहले कंपोजिशन में मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सके। जब तक आप बेल नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैं वीडियो कब डालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑटोमेशन कैसे करते हैं। ऑटोमेशन क्या है? बहुत लोगों को मालूम है कि ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसे, किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग ऑटोमेशन सिर्फ वॉल्यूम इसमें करते और उधर ही छोड़ देते हैं। ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिसमें, लगा लीजिए अगर आप एक लाइव शो कर रहे हो, तो लाइव शो में हमेशा आपके पास एक साउंड इंजीनियर रहता है। साउंड इंजीनियर अपने हिसाब से लेवल्स कम करना और ज़्यादा करना, लगा लीजिए एक बंदा गिटार बजा रहा हो, या एक बंदा फ्लूट बजा रहा हो, या बंदा जो ड्रम बजा रहा हो या कीबोर्ड बजा रहा हो, उनका लेवल्स कभी ऊपर नीचे होता है तो साउंड इंजीनियर रहता है उसको ऑटोमेटिकली करने के लिए। तो हमारे लिए वो ऑटोमेटिक है जो खेल रहा है इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन साउंड इंजीनियर उधर बैठा हुआ है, उसको मालूम है कि मुझे ये लेवल इतना करना चाहिए, उधर इतना करना चाहिए, अगर मेरा कोरस आएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज़ नीचे आना चाहिए, तो ये साउंड इंजीनियर ऑलरेडी उधर बैठ के करता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो उसको कैसे करें? उधर तो साउंड इंजीनियर होगा नहीं, तो उसके चक्कर में तो वो टाइम पे हम लोग एक एनवेलप बनाते हैं, और वो एनवेलप को हम लोग बेसिकली साउंड इंजीनियर जैसे बैठा हुआ है, वो एनवेलप को हम लोग इन्फॉर्मेशन देता है, भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये चीज़ होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एनवेलप में इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये प्रोसेस होना चाहिए हमारे मिक्सर में या इक्वलाइज़र में या कंप्रेसर में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसलिए हम लोग ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को वो बहुत ज़रूरी है। जब मिक्स करने के टाइम पे या मिक्स से मिक्स करने के बाद कहीं कोई जगह पे हम लोग को कोई इंस्ट्रूमेंट को नीचे लेके आना है, कोई इंस्ट्रूमेंट को ऊपर लेके आना है, या उसमें EQ हाई पास करना है, या उस जगह पे हम लोग को कभी कभी हाई पास का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसके लिए हम लोग ऑटोमेशन यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑटोमेशन कैसे करते हैं। तो यह है मेरा FL Studio का प्रोजेक्ट जो मैंने एक क्लाइंट के लिए बना कर रखा है। एक्चुअली बना रहा हूँ, ये डेमो प्रोजेक्ट है, मैं आपको खेल के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसमें एक छोटा मोटा सा ऑटोमेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ, मिक्सिंग के बाद ही ऑटोमेशन करना, मिक्सिंग से पहले ऑटोमेशन मत करना, ठीक है? मिक्सिंग के बाद ही, आपका प्रोजेक्ट का मिक्स के बाद ही आप ऑटोमेशन करना, नहीं तो आपको लेवल्स कम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको प्रॉब्लम पड़ सकता है। तो चलिए मैं इसको सुना के दिखाता हूँ आपको। You and me. तो आपने जैसे कि देखा, ये एक डेमो प्रोजेक्ट है क्लाइंट के लिए, तो इसमें मैं ऑटोमेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, मिक्सिंग से पहले कभी भी ऑटोमेशन मत करना, मिक्सिंग से बाद ही करना। अगर आप उतना कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं तो बहुत ध्यान से आप ऑटोमेशन करना। अभी ऑटोमेशन क्यों करते हैं हम लोग? अभी एक ट्रैक सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि इधर से जो है इसका लेवल्स और ये कॉर्ड जो है इसका लेवल्स आराम से ऊपर आना चाहिए, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम लेवल है आराम से ऊपर आना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए वॉल्यूम लेवल डेफिनेटली हम लोग मिक्सर में जाएंगे
और इसको जो है मैं अभी तक नेम नहीं किया क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, अभी तक मैंने नाम नहीं डाला इसका, तो मैं डाल देता हूँ इसको। देखता हूँ ये कॉर्ड किधर आ रहा है पहले, ठीक है एक मिनट, तो मैं इसको डिटैच कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है, तो इसको मैं जो है अभी रीनेम कर देता हूँ कीज़ के नाम पे, क्योंकि ये मेरा कीज़ है पियानो, और उसके बाद मेरा आर्प रीनेम, ये मैं आर्प नाम डाल देता हूँ उसको, ये रहा ठीक है। और इन दोनों को अभी मेरा लेवल जो है मुझे एडजस्ट करना है, उसके लिए मुझे एक एनवेलप बनाना पड़ेगा ऑटोमेशन के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम एनवेलप, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल करें इसका। तो अभी मैं आर्प का जो है फेडर में, इसको फेडर बोलते हैं हम लोग, फेडर को राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, तो आपने देखा पीछे ये जो है आर्प वॉल्यूम आ चुका है एक, तो उसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। आप उसके ऊपर भी रख सकते हो या अलग सा एक ट्रैक में भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ऊपर रखते हो तो आप एडिटिंग करना है तो आप इसके ऊपर जो एनवेलप है वो पहले क्लिक हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसको एनवेलप्स को अलग रखो बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में काम करने के लिए इसके ऊपर रख दीजिए तो आपको दिखने में आसानी रहेगा। अभी मुझे ये अगर ये एडिट करना है तो अभी मैं चाहता हूँ कि 13वां बार से लेके इसका लेवल्स चेंज हो, तो मैं इधर राइट क्लिक कर दिया, माउस को राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद ये जो है मैं लेवल नीचे लेके आ रहा हूँ, और ये जो है आपका टेंशन है, तो कितना टेंशन आपको चाहिए स्टार्टिंग में से लेके या एंड तक, तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे रखूँ मैं। और ये जो लेवल है आप देख सकते हो इधर हिंट पैनल में, ये जो लेवल है मैं इसको रखना चाहता हूँ 34 कर लेते, और ये जो है मैं अभी इधर भी 34 कर देता हूँ, नहीं तो क्या है देखिए वो लेवल बढ़ रहा है उधर, तो इसको भी 34 कर देता हूँ ठीक है। अभी कॉर्ड्स जो है मेरा जो पियानो का जो है उसको भी मैं लेवल कम करना चाहता हूँ, तो इधर जो है पियानो का सेम राइट क्लिक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, और ये रहा मेरा पियानो का ऑटोमेशन का एनवेलप, और इधर मैं इसको इधर से नंबर बार जो 5 से मैं सोचा कि उधर ऊपर आना चाहिए, तो इसको मैं नीचे, तो ये टेंशन ये सही है टेंशन ठीक है, और ये थोड़ा मैं इसको लेके आ रहा हूँ 30 पे, और इधर भी 30। आप इसको भी कम कर सकते हो, देखो इधर इधर तक कर सकते हो, नहीं तो बाद में इधर तक कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कितना ऑटोमेशन कहाँ तक करना चाहते हो टोटली आपके ऊपर है। मैं अभी ये फिलहाल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये अभी तो 30 पर रख रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है 30 मिलना, ठीक है 30 पर रख दिया। अभी हम ये खेल के देखते हैं, और वो सेट है पे अपना ये देखना लेवल्स देखना, देखिए अभी नीचे ये अभी ये आराम से ऊपर आएगा ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके अभी खेलते, ये देखिए You and me. तो आपने देखा कि ये वॉल्यूम का जो है अभी ऑटोमेशन हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जो किक है, ये है हमारा किक इधर, अब ये किक जो है मैं चाहता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ किक करके ताकि आपको पता चले किक, तो मैं चाहता हूँ कि ये किक जो है पैटर्न 6P रीनेम कर देता हूँ मैं किक, तो ये किक जो है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा क्या बोलते हैं इसका इक्वलाइजर करूँ उसको, तो किक जहाँ हमारा जा रहा है इसका देखता हूँ मैं, किक हमारा जा रहा है कौन सा पैटर्न पे, ठीक है 5 नंबर पे जा रहा है ये 5 में ठीक है, रीनेम मैं इसको किक डाल देता हूँ, तो 5 नंबर हमारे चैनल पे जा रहा है। इधर मैं एक इक्वलाइजर डाल रहा हूँ अभी पैरामेट्रिक EQ ठीक है, अभी ये पैरामेट्रिक EQ मैंने डाल दिया इधर। अब मैं चाहता हूँ ये जो है इसका फॉर एग्जांपल इसका प्रीसेट्स में 40 हर्ट्ज कट ठीक है, तो इसमें क्या हमारा ऑप्शंस फिर कम हो जाता, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है आराम से इधर से ऐसे लेके आओ, ये ऑटोमेटिकली
ऐसे आना चाहिए। तो हाई पास करके मैं लेके आ रहा हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हो ये जो फ्रीक्वेंसी है चेंज हो रहा है। तो हमें ऑटोमेशन कहाँ पे करना है, ये फ्रीक्वेंसी पे करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर खेलना है। तो मैं इसको इधर रख देता हूँ और ये फ्रीक्वेंसी को राइट क्लिक करके मैं क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, ठीक है, तो इसको बंद कर देता हूँ अभी, ये भी बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा किक का जो है बैंड वन फ्रीक्वेंसी। देखा आपने इधर दिखा रहा है क्या हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, वो दिखा रहा है। तो जब मैंने उधर रखा तो इसका देखिए ये सबसे ऊपर है, ये ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी जो है हाई पास कर रहा हूँ, इसको हाई पास के साथ मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ। इधर मैं राइट क्लिक कर दूँगा और मैं इसको इधर ऐसे लेके आ जाऊँगा, ठीक है, ये रहा मेरा। और इधर सेम ये लेके आने के टाइम पे मैं ऊपर देख रहा हूँ ये कितना परसेंट मैं लेके आ रहा हूँ, 30%। तो ये भी 30% रख देता हूँ मैं। और टेंशन जो है मैं ऐसे रख देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो इसमें। और उसके सेम टाइम मैं इक्वलाइज़र को खोलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ क्या हो क्या रहा इधर। अब मैं इसको राइट क्लिक और ये करता हूँ और ये रहा पैरामेट्रिक EQ। और आप देखिए अभी You and me. तो इधर जो है अभी मेरा बाकी जो मैंने किक का जो ट्रैक बनाया इधर बनाया उसको मैं ऊपर डाल देता हूँ। एक मिनट ज़रा इसको भी ऊपर ज़रा डाल देता हूँ मैं, ठीक है, इसको ज़रा ऊपर डाल देता हूँ अभी, तभी आके पता चलेगा। मैंने उसका पैटर्न अलग बनाया था इसलिए। तो आप देख सकते हो अभी क्या होने वाला है, ठीक है। You and me. तो मैं इसको मैं 15% कर देता हूँ अभी, बिकॉज मेरे को किक का टाइट और थोड़ा और टाइट आवाज़ चाहिए था, तो देखते हैं। और इसको इधर से मैं इसको 75% कर देता हूँ। You and me. ये जो कॉर्ड मेलेडी है इसमें मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा अलग से एक मैं ऑटोमेशन दे दूँ, इसमें लिख देता हूँ कॉर्ड मेलेडी, कॉर्ड मेलेडी जो ऐसे ही, ठीक है। इसमें मैं सोच रहा हूँ एक अलग से एक ऑटोमेशन दूँ, वो वापस मैं इसमें जाके, और मैं इसमें जाके ले रहा हूँ फ्रूटी पैनोमैटिक। तो ये रहा मेरा पैनिंग, ये लेफ्ट और ये राइट जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, तो इसको ऊपर लेके आया मैं। अब इसमें जो है राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक, देखिए इसको मैं लेफ्ट और राइट लेके आना चाहता हूँ, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो इसको अभी जो है एक इधर इसको नीचे। अब जरा सुन के देखते हैं इसको इधर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, इधर मेरा पैन लेफ्ट और राइट जा रहा है। एक और बार खेल के दिखाता हूं आप लोगों को।
दोस्तों आपने देखा कि मैंने ये सिंपल तरीके से कैसे कैसे अलग अलग मैंने जो प्लगइन्स हैं या एफएक्स प्लगइन्स या फेडर हो गया वो सब इस्तेमाल करके मैंने ऑटोमेशन किया। तो ऑटोमेशन बेसिकली हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, ये नहीं कि हर गानों पे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, बट स्टिल ऑटोमेशन यूज़ करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा रहता है, आप और फ्लेक्सिबल हो जाते हो आपके काम पे और उसमें अलग इफेक्ट्स दे सकते हो आप। इसको हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो इक्वलाइज़र हो, कंप्रेसर हो या कुछ भी इफेक्ट्स प्लगइन हो, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आज आप लोग को कुछ सीखने को मिला रहेगा। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।